कम टू एस पी एम आई एस एकेडमी डेली आंसर राइटिंग सेशन इस सेशन में मैं आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूं और उससे रिलेटेड एम सी क्यूज आपके साथ शेयर करता हूं एंड यू कैन सबमिट योर आंसर ऑन अवर टेलीग्राम ग्रुप आज का क्वेश्चन है हमारा फाइव जी टेक्नोलॉजी के ऊपर देखिए क्वेश्चन दो पार्ट में है एंड इट इज आस्किंग वॉट इज फाइव जी टेक्नोलॉजी And what benefits is it expected to the bring expected to bring to people of North East? What is 5T, 5G technology? ye ek easy part hai answer karna आपने newspaper analysis में और बाकी जगह पढ़ा होगा कि हमारी country में 4G के बाद 5G आने वाला है और आपको पता होगा कि 5G technology 4G technology से better है, उसका upgraded version है। बट जो सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का वेयर इट इज़ आस्किंग यू दैट वॉट बेनिफिट्स इज़ इट एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग टू द पीपल यहाँ पर आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि हम लोगों के लिए द पीपल ऑफ़ नॉर्थ ईस्ट इंडिया उनको क्या बेनिफिट मिलेगा इस टेक्नोलॉजी से द क्वेश्चन डज नॉट हैव एनी डायरेक्टिव वर्ड लेकिन फिर भी आपको चीज़ें यहाँ पर डिस्क्राइब करके डिटेल में लिखनी होंगी बिकॉज क्वेश्चन इज़ ऑफ ट्वेल्व पॉइंट फाइव मार्क्स एंड यू हैव टू आंसर इट इन टू हंड्रेड वर्ड्स चार चीज़ें इस क्वेश्चन में आप आंसर करेंगे सबसे पहली चीज व्हाट इज़ 5G टेक्नोलॉजी उसके बाद हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम द करेंट 4G टेक्नोलॉजी क्या बेनिफिट है होने वाले हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए और इन द एंड यू हैव टू राइट अ कंक्लूजन द रेफरेंस न्यूज़पेपर फॉर दिस इज थर्टी फर्स्ट डिसंबर एंड द एट्थ जनवरी इन बोथ द न्यूज़पेपर एनालिसिस स्यजीत सर हैज प्रोवाइडेड द डिटेल डिफरेंस बिटवीन द फाइव जी टेक्नोलॉजी एंड द फोर जी टेक्नोलॉजी एंड वट इज़ फाइव जी टेक्नोलॉजी दिस क्वेश्चन इज रिलीवेंट फ्रॉम द पेपर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ़ाइव जी टेक्नोलॉजी क्या होती है तो मैंने बहुत एक सिंपल सी डेफिनेशन यहाँ पर दी है कि फाइव जी टेक्नोलॉजी नेक्स्ट जनरेशन मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जो कि ज़्यादा फास्ट होएगी और ज़्यादा नंबर ऑफ कनेक्टेड डिवाइस को हैंडल कर सकती है एज़ कम्पेयर टू द एग्जिस्टिंग फोर जी टेक्नोलॉजी इन शॉर्ट ये फोर जी टेक्नोलॉजी से बेटर होगी इन ऑल द टर्म्स एंड देन इट इज़ गोइंग टू मेक अ सिग्निफिकेंट चेंजेस टू अवर लाइफ स्टाइल एंड द वे वी वर्क एंड कम्युनिकेट आप थोड़ा सा डिफरेंस बता सकते हैं कि 4G और 5G के बीच में क्या डिफरेंस है देखिए ये तो एक बिल्कुल टेक्निकल डिफरेंस है जहाँ पर बताया गया है कि 5G जो होगा दैट इज़ गोइंग टू यूज़ द रेडियो फ्रिक्वेंसी 28 एट गिगा हर्ड्स एंड एज़ कम्पेयर टू द फोर जी विच यूजेज सेवन हंड्रेड मीटर हर्ड्स टू ट्वेंटी फाइव हंड्रेड मीटर हर्ड्स एज अ रिजल्ट डेटा ट्रांसफ़र रेट हाई हो जाता है इसके अलावा अगर 3G, 4G और 5G को कंपेयर करा जाए देन यू कैन ऑल्सो सी दैट दीज थ्री टेक्नोलॉजीज आर कंपेयर्ड इन टर्म्स ऑफ द फोर पैरामीटर्स पहला डिप्लॉयमेंट दैट मीन्स कब एक्चुअली वो टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट हुई थी दूसरा बैंडविथ कि कितनी ज़्यादा डेटा ट्रांसफ़र रेट होगा उसका थर्ड इज लेटेंसी लेटेंसी का मतलब होता है दिस थिंग लेटेंसी इसका मतलब होता है कि जब दो डिवाइसेस कम्युनिकेट करते हैं तो उन दोनों के बीच में टाइम डिफरेंस कितना होगा तो 5G में ये टाइम डिफरेंस बहुत कम होता है मतलब अगर दो डिवाइसेस कम्युनिकेट कर रहे हैं तो बहुत फास्टर कम्युनिकेशन होगा दोनों के बीच में बिल्कुल भी लैग नहीं होगा और चौथी चीज़ होती है एवरेज स्पीड की एक्चुअली कितनी इंटरनेट की ट्रांसफ़र स्पीड इसमें रियलाइज़ होगी एंड दैट इज़ गोइंग टू बी 200 हंड्रेड टू फोर हंड्रेड इसके अलावा 5g के जो एक्सपेक्टेड बेनिफिट हैं वो मैंने यहाँ पर लिख करके दिए हुए हैं एक एक करके इन बेनिफिट्स को डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहली चीज़ है दैट इट हैज़ गॉट अ वेरी हाई डेटा रेट इससे आप समझ सकते हैं कि जो डेटा ट्रांसफ़र जो हमारी कितनी जल्दी हमारे कितना फास्ट हमारे फ़ोन में इंटरनेट चलता है ये चीज़ हाई हो जाएगी 5G टेक्नोलॉजी में दिस इज़ गोइंग टू बी मच मोर हाइयर एज़ कम्पेयर टू 4G। 4G में अगर आपने ऑन एन एवरेज देखा हो तो जनरली हमारे पास ट्वेंटी फाइव की अच्छे नेटवर्क में स्पीड आ जाती है अदरवाइज़ तो कम भी रहती है 15, 16 एमबीपीएस की आती है लेकिन ये 5G में 200 हंड्रेड टू फोर हंड्रेड आएगी तो अगर आप YouTube में 4K में भी किसी वीडियो को देख रहे हैं 4K के रेजोलूशन में तब भी आपको बहुत आराम से आप उस वीडियो को देख पाएंगे द सेकेंड बेनिफिट ऑफ दिस 5G जी इज़ दैट इट इज़ गोइंग टू हैव अ वेरी हाई कैपेसिटी कैपेसिटी का मतलब होता है कि, कि किसी एक छोटी जगह पर अगर ज़्यादा नंबर ऑफ़ मोबाइल यूज़र्स होते हैं तो क्या वो सभी प्रॉपरली यूज कर पा रहे हैं जो इंटरनेट है उसे आपने अक्सर देखा होगा कि अगर आप किसी कॉन्सर्ट में जाते हैं लाइव कॉन्सर्ट में जाते हैं और वहाँ पर बहुत से लोग जो होते हैं वो फेसबुक लाइव यूज़ करते होते हैं या इंस्टा में अपनी लाइव फीड दे रहे होते हैं और उस टाइम पर आप रियलाइज़ करते हैं कि बहुत जल्दी आपका नेटवर्क जो होता है वो नेटवर्क परफॉर्मेंस बहुत पुअर हो जाती है मतलब आपका इंटरनेट बहुत ख़राब चलने लगता है दैट इज़ हैपनिंग बिकॉज़ फ़ोर जी टेक्नोलॉजी हैज़ अ लोअर कैपेसिटी इट कैन नॉट सपोर्ट लार्ज नंबर ऑफ द यूजर्स हु आर कंटिन्यूसली यूजिंग द इंटरनेट इन अ लिमिटेड एरिया एक छोटे एरिया में बहुत ज़्यादा यूजर्स अगर हो जाएंगे जो कि बहुत ज्यादा जो इंटरनेट यूज कर रहे होंगे तो फोर जी टेक्नोलॉजी ब्रेक हो जाती है हाउ एवर द एडवांटेज विद द फाइव जी इज दैट इट हैज गॉट अ वेरी हाई कैपेसिटी तो अगर छोटे एरिया में जैसे कि अगर कोई मॉल हो गया या एक कॉन्सर्ट है जहाँ पर छोटे एरिया में ही सब हो रहा है या एयरपोर्ट हो गया वहाँ पर अगर बहुत सारे लोग एक साथ अपना इंटरनेट यूज़ भी करेंगे तब भी फाइव टेक्नोलॉजी बहुत ईजीली सपोर्ट कर देती है इसी चीज़ को मैं बोल सकता हूँ कि इट कैन सपोर्ट अ मैसिव नंबर ऑफ डिवाइसेस देखिए हमारे घरों में आम तौर पर लैपटॉप मोबाइल फ़ोन ये सब तो यूज़ करते ही करते हैं इंटरनेट को लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है हमारे टीवी, रेफ्रिजरेटर अवन वॉशिंग मशीन ये सब भी धीरे धीरे स्मार्ट होते जा रहे हैं तो जब ये सब डिवाइसेस को भी इंटरनेट यूज़ करना होगा तो 5G इस मामले में बहुत बेनिफिशियल होगा क्योंकि हमारे छोटे से घरों में ही देर देर इज़ गोइंग टू बी 15 टू 20 सच डिवाइसेस विच विल यूज़ द इंटरनेट एंड इन दैट केस द 5G टेक्नोलॉजी विच हैज़ अ हाई कैपेसिटी दैट इज़ गोइंग टू बी बेनिफिशियल क्योंकि छोटी जगह पर बहुत सारे डिवाइसेस को ये इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करा देगी नेक्स्ट इसका एडवांटेज होता है दैट इट हैज़ गॉट अ हाई मोबिलिटी इसका मतलब होता है कि जब आप किसी हाई स्पीड ट्रेन से कार से जब आप मूव कर रहे होंगे तब भी आपका नेटवर्क डिस्कनेक्ट नहीं होगा अक्सर आपने देखा होगा कि अब अगर आप किसी ट्रेन में बैठे हैं हाई स्पीड ट्रेन में जैसे शताब्दी राजधानी और वो अपनी फुल स्पीड में चल रही है तो इवन दो आप नेटवर्क के एरिया में होंगे लेकिन उतना अच्छा इंटरनेट सर्विसेज नहीं चलता है दैट इज़ बिकॉज फोर जी टेक्नोलॉजी डज नॉट हैव अ हाई मोबिलिटी हाउ एवर फाइव जी हैज़ अ हाइयर मोबिलिटी इसके अलावा वेरी लो लेटेंसी टाइम इसके बारे में मैंने बात करी ही करी कि डिवाइसेज के बीच का कम्युनिकेशन फास्टर हो जाता है फाइव जी टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो लेस बैटरी कंज्यूमिंग एज अ रिजल्ट हमारे जो डिवाइसेज होंगे उनकी बैटरी ज़्यादा चलेगी एंड इट इज़ सिक्योर टेक्नोलॉजी इट इज़ मोर रिलायबल ट्रस्टवर्दी है इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं बहुत प्रॉब्लम नहीं आएगी एज एंड इज अ सिक्योर टेक्नोलॉजी तो ये सब 5G के बेनिफिट्स हैं इसके बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं उनको क्या फ़ायदा होने वाला है देखिए अभी तक मैंने आपको बता दिया व्हाट इज़ 5G टेक्नोलॉजी 5G वर्सेस 4G बता दिया और 5G के जनरल एडवांटेजेस क्या हैं ये बता दिया लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या बेनिफिट होगा नॉर्थ ईस्ट के लोगों को 5G टेक्नोलॉजी से अब उसको आंसर करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में क्या बेनिफिट होंगे फाइव के सबसे पहली चीज़ है कि इंडस्ट्री 4.0, पॉइंट ज़ीरो दैट मीन्स द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नॉर्थ ईस्ट में 5G टेक्नोलॉजी ही सपोर्ट कर सकती है इसके लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं और समझते हैं ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फोर्थ कौन सा है देखिए ऐसा बोला जाता है कि जब फर्स्ट इंज फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को तब माना जाता है जब स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ था उस टाइम पर पहली बार हमारा जो एंज जो इंजनस होते हैं उनसे हमने यूज़ करके मैन्युफैक्चरिंग शुरू करी थी उससे पहले सारा काम हाथ से ही होता था और मशीन्स जो होती थी वो हैंड ड्रिवन टूल्स होते थे जब पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन दैट वॉज द फर्स्ट टाइम वी वर नॉट यूजिंग द हैंड ड्रिवन टूल्स बट रादर वी वर यूजिंग द मशीन्स विच वर इंजन ड्रिवेंस इंजन ड्रिवेन में हमने स्टीम इंजन डीजल इंजन पेट्रोल इंजन ये सब को यूज़ करा और दैट इज़ द टाइम वेन फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन केम द सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन केम वेन वी वर स्टार्टेड यूजिंग द असेंबली लाइन मतलब एक ही फैक्ट्री में सारा का सारा काम होने लगा और आपने देखा होगा फैक्ट्रीज में कि एक बेल्ट होती है जिस पर प्रोडक्ट होता है वो मूव करता रहता है और उसी प्रोडक्ट पर बार बार चीज़ें होती रहती हैं उसी को ही अपग्रेड करा जाता है एक एक प्रोसेस में दैट इज कॉल्ड एज अ असेंबली लाइन और वैसी चीज को हम बोलते हैं जब ये होने लगा कि सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है द थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ज स्टार्टेड हैपनिंग वैन देयर वॉज द यूज़ ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट टेक्नोलॉजी इन द असेंबली लाइन्स इट सेल्फ अब बोला जा रहा है कि दैर इज गोइंग टू बी फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जहाँ पर नई टेक्नोलॉजीज आएंगी जैसे ऑगमेंटेड रियालिटी क्लाउड कंप्यूटिंग इंटरनेट ऑफ थिंग्स ये सब नई टेक्नोलॉजी आएंगी लाइक थ्री डी प्रिंटिंग इसको बोला जा रहा है फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इस फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में हम कभी फिर से किसी आंसर राइटिंग में इस पर और डिस्कशन भी करेंगे ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पॉसिबल होगा नॉर्थ ईस्ट रीजन में ओनली विद द हेल्प ऑफ द फाइव टेक्नोलॉजी और इससे ये होगा फ़ायदा कि जो भी बिजनेस हैं नॉर्थ ईस्ट के दे आर गोइंग टू ड्रास्टिकली चेंज फोर्थ फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइसेस कनेक्ट होने चाहिए एंड दैट विल हैप्पन ओनली वैन द फाइव जी टेक्नोलॉजी इज देयर इट विल इन्वॉल्व मोर यूज ऑफ रोबोटिक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द अदर मॉडर्न टेक्नोलॉजीज तो आप ये पहला पॉइंट लिख सकते हैं फाइव जी टेक्नोलॉजी से फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंडस्ट्री फोर पॉइंट जीरो दैट विल हैपन द नेक्स्ट बेनिफिट ऑफ द फाइव जी टेक्नोलॉजी फॉर द पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज गोइंग टू बी इन द ट्रांसपोर्ट सेक्टर जैसा मैंने आपको पहले ही बताया 5G टेक्नोलॉजी से स्पीड हाइयर हो जाती है लेटेंसी टाइम कम हो जाता है और ज़्यादा नंबर ऑफ़ डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं ऐसे में हमारा जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है नॉर्थ ईस्ट का दैट विल विटनेस ट्रास्टिक चेंजेस सेल्फ ड्राइविंग कार्स जो खुद से ड्राइव कर सकती हैं इस टाइप की कार्स आने लगेंगी ये ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इस टाइप की कार्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि फ़ास्ट इंटरनेट हो जिससे ये कार रेडली कम्युनिकेट कर पाएँ मोर ओवर अगर रोड में दो या उससे ज़्यादा सेल्फ ड्राइविंग कार्स होती हैं दे ऑल्सो स्टार्ट कम्युनिकेटिंग अमंग अमंगल्वस एंड दे शेयर इन्फॉर्मेशन विद ईच अदर सो दैट रोड का जो ट्रैफिक होता है वो सेफर होने लगता है तो ये सब चीज़ें सेल्फ ड्राइविंग कार्स में होती हैं एंड दीज आर पॉसिबल ओनली वन विद द फास्टर इंटरनेट एंड दैट विल हैपन विद द फाइव जी टेक्नोलॉजी मोर ओवर जब ज़्यादा से ज़्यादा कारें चाहे वो सेल्फ ड्राइविंग हो या नॉर्मल कार्स हो, आपको पता ही है कि अब सभी कार्स में जो मॉडर्न आने लगी हैं कार्स दे कैन बी कनेक्टेड टू इंटरनेट वाया वाया योर फोन और दे आर ऑलरेडी कनेक्टेड टू इंटरनेट सो इन सब कार्स जब ऐसे कार्स आने लगेंगी दे विल बी एबल टू रिड्यूस द एक्सीडेंट रेट जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे जो अप्लाइंस होंगे हमारे जो इक्विपमेंट्स जो भी हम यूज़ करते हैं ये सब इंटरनेट से कनेक्ट हो रहे हैं धीरे धीरे तो ऐसे में जब आपस में ही ये कार्स एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर कर पाएंगी तो कम होने लगेंगे एक्सीडेंट रेट्स इसके अलावा देयर इज़ गोइंग टू बी अ बेटर ट्रैफिक मैनेजमेंट आल्सो बिकॉज ऑफ़ द यूज़ ऑफ़ द 5G टेक्नोलॉजी इसको आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि सपोज़ अगर आपकी ट्रैफ़िक लाइट्स जो होती हैं अभी तो सब कुछ ऑटोमेटिक होता है ट्रैफिक लाइट्स जब ऑन होती हैं तभी व्हीकल मूव करते हैं और उनमें टाइमर फिट होता है वो अपने टाइम पर ही ऑन होंगी वो अपने टाइम पर ही ऑफ होती हैं ट्रैफिक लाइट लेकिन अगर इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट करना है तो वो तब होना चाहिए कि ट्रैफिक लाइट खुद से ही समझ पाए कि किस रोड पर ट्रैफ़िक ज़्यादा आ रहा है और किस पर कम है तो उसी के हिसाब से वो रेगुलेट करें आज के टाइम पर ये जो काम होता है इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट का दैट इज़ हैपनिंग विद द हेल्प ऑफ द ह्यूमंस जो हमारे ट्रैफ़िक पुलिस होते हैं वो रोड पर खड़े होते हैं और वो देखते हैं कि अगर किसी रोड में ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है जिस तरफ से उसको वो ज़्यादा टाइम देते हैं मूव करने का और जिस तरफ कम आता है उसको कम देते हैं लेकिन अगर हमारी ट्रैफिक लाइट्स ही इतनी इंटेलिजेंट हो जाएं कि वो ये समझ पाएं कि जिस रोड से ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है उसको ज़्यादा टाइम तक पास देना है जिस पर कम है उसको कम देना है दैट इज़ कॉल्ड एज अ इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट दैट विल हैपन विद द यूज़ ऑफ द फाइव टेक्नोलॉजी इसके अलावा स्मार्ट सिटीज़ का जो हमारा भारत सरकार का प्रोजेक्ट है दैट विल आल्सो बी बेनिफिटेड विद द यूज़ ऑफ द 5G टेक्नोलॉजी आपको स्मार्ट सिटी में वीडियो सर्वेलेंस रियल टाइम मिलने लगेगा वीडियो सर्वेलेंस के बेसिस पर जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं उनको एलिमिनेट कर पाएंगे स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट मैंने बताया था आपको इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट के बारे में अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट में इसके एप्लीकेशंस होंगे और क्राइम्स जो होता है दैट विल ऑल्सो बी कंट्रोल्ड विद द हेल्प ऑफ द फाइव टेक्नोलॉजी इसके अलावा कुछ और भी छोटे छोटे बेनिफिट्स हैं जैसे ई e गवर्नेंस हमारा बेटर होने लगेगा इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट टेली मेडिसिन इसमें बेटर होगा टेली मेडिसिन का मतलब होता है कि आप फोन पर ही फ़ोन पर ही अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर लेते हैं और वीडियो कॉल पर ही आप अपना दिखा सकते हैं आपको प्रॉब्लम क्या है सो ऑल दीज थिंग्स दीज आर द पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ द फाइव जी आई हैव गिवेन फ्यू अदर थिंग्स ऑल्सो यू कैन रीड इट एंड अंडरस्टैंड दिस इज़ फेयरली इजी थिंग्स इन द कंक्लूजन पार्ट आपको इसमें दो बातें बतानी हैं पहली चीज़ तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि सिक्योरिटी चैलेंजेस भी नए नए आएंगे आपको पता ही है कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसमें नए टाइप के सिक्योरिटी चैलेंजेस भी आते हैं जब कंप्यूटर आए थे तो वायरस का पता चला मोबाइल फ़ोन्स आए तो उसमें पता चला कि कुछ और भी हैकिंग भी हो जा रही है तो कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है उसके अपने सिक्योरिटी चैलेंजेस होते हैं तो ऐसे में हमारी सरकार का रोल बहुत बड़ा हो जाता है कि वो कोई भी जो रेगुलेटर होते हैं रेगुलेटरी सपोर्ट होता है उनको वो इस्टेब्लिश करे रेगुलेटर्स को सो so दैट इस टाइप के जो सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं उनको पहले ही ख़त्म करा जाया जा सके मोर ओर सरकार को ये भी इंश्योर करना है कि फाइव जी सर्विसेज जो हैं वो पूरे रीजन में इंटायरली मिल रही हैं ऐसा नहीं हो कि केवल एक मेन मेन सिटीज में ही फाइव जी सर्विसज मिले और बाकी जगह को बेनिफिट नहीं होना चाहिए सो विद दिस यू कैन कंक्लूड यूर आंसर द सेम कंक्लूजन आई हैव रिटन सम इन ए डिफरेंट वे यू कैन रीड इट दैट इज़ ऑल्सो द सेम एज द अब कंक्लूजन इससे रिलेटेड कुछ प्रिम्स के एम सी क्यूज मैंने आपके साथ शेयर करे हैं यू कैन अटेम्प्टीज एम सी क्यूज एंड पुट योर आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन प्रीवियस जो टॉपिक था उससे रिलेटेड जो उसके आंसर्स हैं यहाँ पर मैंने शेयर कर दिए हैं यू कैन गो थ्रू दिस एंड चेक इफ यू आर एबल टू आंसर द करेक्ट वे दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड थैंक यू